हेलो एंड नमस्ते एवरीबॉडी, दिस इज मी अर्चना राय अगेन। आज मैं बनाने जा रही हूँ गुजराती कढ़ी, जिसमें मीठा नहीं होगा। तो बहुत ही सिंपल 10 मिनट में बनने वाली कढ़ी है। 10 मिनट नहीं, 5 मिनट, एक्चुअली 10 मिनट टोटल प्रिपरेशन का टाइम है, बट 5 मिनट्स में कढ़ी रेडी हो जाएगी। सो लेट्स गार्लिक और ग्रीन चिली ले लेंगे। ग्रीन चिली करीब 5 से 6 ग्रीन चिली चाहिए, जो थोड़ी स्पाइसी होनी चाहिए। एंड गार्लिक के कुछ 3 या 4 पीसेस निकाल लेंगे, ज़्यादा रहेगा तो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि गार्लिक और ग्रीन चिली दो ही का फ्लेवर सबसे ज़्यादा होता है। इसको निकाल के पील करके मैंने चॉप कर लिया है। ये मैं गार्लिक और ग्रीन चिली को एक साथ कूट रही हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बेसिकली ये कढ़ी मुझे मेरी फ्रेंड ने करीब 10 ईयर्स बैक, जब मैं US में थी, तो वहाँ पर सिखाया था, क्योंकि तब मुझे थोड़ा टाइम कम मिलता था विद बेबी कि मैं क्या बनाऊँ। और आज भी वही टाइम है, तब बेबी के साथ था और आज ऐसा है कि ऑफिस है, ऑफिस के बीच में से कुछ 30 मिनट्स का ब्रेक लिया है, जिसमें मुझे कढ़ी और चावल दोनों बनाना है। तो मैं अभी राइस तो मैंने राइस कुकर है उसमें चढ़ा दिया है, तो वो कुक हो रहा है अपने आप। एंड अभी मैं कढ़ी बना रही हूँ। इसके लिए इन्ग्रीडियंट्स है हल्दी, नमक, जीरा, करी पत्ता, मिर्ची, गार्लिक, हींग एंड घी। एंड अगर आप चाहें तो राई भी डाल सकते हैं छौके के लिए। करी पत्ता जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं सुखा के रख लेती हूँ, क्योंकि एवरी टाइम फ्रेश करी पत्ता लाना थोड़ा मुश्किल है। सो अलावा है दही, जो करीब 5-6 टेबल स्पून। एंड ये मैंने जो मिर्ची और गार्लिक को दिखाया, उसको मैंने कट करके चॉप करके अच्छे से कूट लिया, जो ये मिक्स हो गया। मतलब इसको पूरा फाइन मिक्स करने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको अच्छे से कूट लिया एक साथ, तो अच्छा टेक्स्चर आ जाता है। बेसन बहुत ज़्यादा नहीं, करीब 2 से 3 चम्मच रहेगा, जितना कम बेसन रहेगा उतना अच्छा होगा। दही अगर खट्टी है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो भी चलेगा। उसमें हम कभी अगर चाहिए तो थोड़ा बहुत आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, बट वीडियो नहीं। करीब 4-5 चम्मच बेसन डाल के दही में ऐसे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैंने इसमें कूटे हुए जो ग्रीन चिली और गार्लिक है उसको मिक्स करके इसमें पानी भी ऐड कर दिया है, और पानी और ऐड करते जाएंगे। नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। इन शॉर्ट हमने दही लिया, दही को मिक्स किया, उसके बाद इसमें बेसन डाला 3-4 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना होता है तो गाढ़ा रहता है बेसन। उसके बाद हमने कूटे हुए ग्रीन चिली और गार्लिक ऐड कर दिए, नमक डाला, पानी डाला अच्छे से, और मिक्स करके भी इसको और पतला कर लिया है। इसको और पतला कर सकते हैं, क्योंकि कढ़ी जैसे गैस पे चढ़ेगी गर्म होगा, उसके बाद वो गाढ़ी। गैस ऑन करके मैंने पैन रख दिया है और इसमें मैं घी डालूंगी। करीब गर्म होने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा राई ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा जीरा ऐड कर दिया, जीरे के बाद मैंने हींग ऐड कर दिया, करी पत्ता ऐड कर दिया, और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी। उसके बाद मैं इसमें आप ये वी नीड मोर वाटर इन दिस, क्योंकि बहुत गाढ़ी हुई। डालने के बाद हम करीब 2 मिनट तक इसको वेट करेंगे, जब तक एक उबाल आ जाए। जैसे एक उबाल के बाद हम गैस बंद करें। ये कढ़ी में बॉईल आ गया है, तो ये तैयार है मेरी कढ़ी। गर्मा का राइस टाइम भी 0 हो गया, तो मेरा राइस भी रेडी है। ओपन करके देखते हैं। ये देखिए मेरा राइस भी तैयार हो गया है। टर्न ऑफ द गैस। Thank you for watching this video. Please don't forget to like and subscribe my channel and put your comment as a feedback so that I can improve my video next time. Thank you so much. And this video, FYI, this video is made only in office lunch time, which is 12 to 1, 12 to 12:30 तो already हो गया है, and 30 minutes बचे हैं जिसमें मुझे खाना खाना है, खाना खा के wrap up करके फिर मुझे वापस office resume करना है, kids को भी खिलाना है। Thank you for watching. Stay tuned. Bye. Have a good day.